नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के खबरों की, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी जगत के मुद्दों का। शुरू करते हैं आज का शो, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बुलेट पॉइंट्स की ओर। देश के टॉप 8 शहरों में 9 साल के शीर्ष पर पहुंची घरों की बिक्री। 2022 में जनवरी से दिसंबर के बीच सालाना 34% बढ़ी बिक्री, बिके 3,12,000 से अधिक घर। नए लॉन्च घरों में भी 41% का इजाफा, 3,28,000 से अधिक घर हुए लॉन्च। बिक्री और न्यू लॉन्च पर टॉप रहा एनसीआर, बिक्री में कोलकाता और नए लॉन्च में पुणे रहा फिसड्डी। ऑफिस मार्केट में भी तेजी, सालाना 36% ट्रांजैक्शन बढ़े। टॉप 8 शहरों में 51.6 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस हुए लीज, नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े। निजी निवेशकों ने वित्त वर्ष 2023 के 9 महीनों में एनसीआर के प्रॉपर्टी मार्केट में किया $1,215 मिलियन का निवेश, सालाना 58% की बढ़ोतरी। इसी दौरान एमएमआर में 576 मिलियन से घटकर $224 मिलियन हुआ निवेश। कुल भारतीय रियल एस्टेट में FY 2023 के 9 महीनों में आया $3.4 अरब का निवेश, FY 22 के मुकाबले 3% बढ़ोतरी। सभी सौदों में टॉप 10 डील्स में कुल निजी निवेश का 76% हिस्सा, एनरॉक की रिपोर्ट में खुलासा। रियल एस्टेट में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र रेरा का शानदार कदम, अब रेरा रजिस्टर्ड एजेंट बनने के लिए पास करनी होगी परीक्षा। महारेरा ने प्रॉपर्टी एजेंटों के लिए जारी किया सर्कुलर, योग्य एजेंट ही कर पाएंगे रेरा में रजिस्ट्रेशन। पहले से रजिस्टर्ड एजेंटों को भी 1 सितंबर 2023 तक प्राप्त करना होगा योग्यता प्रमाण पत्र। बजट सीरीज में डेवलपर्स ने वित्त मंत्री के सामने रखी रियल्टी सेक्टर की मांगे। टैक्स छूट, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने समेत रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की मांग। रियल ट्रेंड्स में प्रॉपर्टी दिग्गजों के साथ पूरी चर्चा। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। बजट डे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हर सेक्टर की अपनी उम्मीदें हैं। जाहिर है रियल्टी सेक्टर भी वित्त मंत्री से तमाम आशाएं लगाए बैठा है। इस क्रम में जी बिजनेस की बजट सीरीज जारी है, हर सेक्टर की उम्मीदों को वित्त मंत्री तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लस में हम रियल एस्टेट सेक्टर के अलग अलग पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बजट एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा ग्रोथ आसमान छू रही है, घरों की बिक्री भी रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन फिर भी कई पहलुओं पर रियल्टी सेक्टर वित्त मंत्री की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। निवेश के नियम, रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा, प्रोजेक्ट फंडिंग समेत कई मसले हैं जिन पर वित्त मंत्री का फोकस रियल एस्टेट सेक्टर चाहता है। हमने बीते शो में प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात की थी और आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के नामचीन डेवलपर्स, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर, प्रेसिडेंट नरेटको नेशनल, हमारे साथ रवि अग्रवाल हैं, एमडी सिग्नेचर ग्लोबल, और आदित्य कुशवाहा हैं, सीईओ एक्सेस ई कॉप। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका राजन जी, रवि जी और आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा, रिटेल निवेशक बड़े स्तर पर रियल एस्टेट को शानदार विकल्प मानते हैं। हालांकि बीते कुछ वर्षों में रियल एस्टेट में कमजोर आरओआई के चलते मोहभंग हुआ है, लेकिन ऐसे में दूसरे घर के लिए या निवेश को बढ़ावा देने के लिहाज से बजट में क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं आप? दीपक जी, देखिए, रियल एस्टेट जो सेकेंडरी हाउसिंग है, जिसको हम सेकेंडरी हाउसिंग कहते हैं, वो एक रेंटल अर्निंग के हिसाब से लोगों का रुझान ज्यादा रहता है सेकेंडरी हाउसिंग में। अब सेकेंडरी हाउसिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो उनको रेंटल अर्निंग होती है उसमें जो लगने वाला जीएसटी है उसके कोई इंसेंटिव बेनिफिट्स नहीं है। उसमें जो अर्निंग हो रही है उसमें जीएसटी में कहीं ना कहीं उनको एक प्रावधान हो कि वो जीएसटी से हाउस टैक्स पे कर रहे हैं या और तमाम सारे गवर्नमेंट जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन हो कि वो जीएसटी से सेटअप हो सके, पहला। दूसरा, जो हॉलीडे होम के डेस्टिनेशन है वो मोस्टली शहर से बाहर होती है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में होती है, चल रही है, वो हर शहर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है। ऐसे आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से उनपे होम लोन या उनपे बैंकिंग लोन की सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव है या लिमिटेशन है। तो गवर्नमेंट को एक डेडिकेटेड फंड उसके लिए भी डेडिकेट करना चाहिए, जहां पर उस तरीके का जो बायर जो आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी ले रहा है उसको भी होम लोन की सुविधा या कमर्शियल लोन मिल जाए, लोन की सुविधाएं हो, क्योंकि बैंकों का एक डेडिकेटेड प्रोविजन बजट वहां पर एलोकेटेड हो। तीसरा, जैसे कि अभी रवि जी और राजन जी भी कह रहे थे कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी इतना इन्फ्लेट हो चुका है, ठीक है, तो जो उसके लिए कमर्शियल वायबिलिटी है आरओआई की, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर की पॉकेट में जा रहा है, उसको लोड पड़ रहा है उस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए, जिससे उसका आरओआई गिर रहा है। चौथा, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो हम देख भी रहे हैं कि अभी एनआरआई का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा है,
लास्ट ईयर तो लगभग लगभग 13 बिलियन डॉलर की जो है मार्केट रही सिर्फ एनआरआई मार्केट को। तो हमको एनआरआई निवेशक जो है हमारे, वो चाहे प्राइमरी घर ले रहे हैं या सेकेंडरी हाउसिंग परचेज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन हो जिससे इंसेंटिव स्कीम हो जिससे उनका निवेश और बढ़े। ऑलरेडी हमारी कंट्री की जो पोजीशन है, जो फेथ है, वो उनके मन में बढ़ रहा है, बट उसका अगर कोई ऐसा डेडिकेटेड प्रोविजन हो जाए जिससे वो इन्वेस्टमेंट और बढ़ जाए, तो ज्यादा बेहतर परिणाम देखेंगे रियल एस्टेट मार्केट को। बिल्कुल, सीएलएसएस स्कीम का असर व्यापक रूप से देखने को मिला है। आदित्य जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि जो ज्यादातर हॉलिडे होम्स बन रहे हैं वो भी लग्जरी प्रोजेक्ट बन रहे हैं, प्रीमियम प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि दूर दराज या टीयर टू सिटीज में या फिर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जो लग्जरी हाउसिंग है उसके बजाय अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिले, सेकेंड होम में अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा हो, तो क्या इसे बेहतर करने के लिए सरकार इसमें कुछ मदद कर सकती है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी बढ़ सके? दीपक जी, सेकंड हाउस में जो है अफोर्डेबल सेगमेंट में भी चल रहे हैं। गवर्नमेंट कई जगह स्टेकेशंस को प्रमोट कर रही है, छोटे छोटे हाउसेस जो है लोग जहां पर टूरिज्म एरिया है वहां पर बना के उसको गेस्ट हाउस के रूप में चला रहे हैं, उनको प्रमोशन भी मिल रहा है। इस सेगमेंट में आप अभी जी मीडिया के माध्यम से, और राजन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो इंडस्ट्री की बात अक्सर पहुंचाते रहते हैं, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को चाहे इस बजट में या इस बजट तो बहुत करीब आ गया, या अगले बजट में से प्रोविजन कुछ ऐसा करके चलें कि इंडिया में 5, 7, 10 ऐसी टूरिज्म डेस्टिनेशन तैयार की जाएं, क्योंकि ट्रेवल टूरिज्म इंडिया का ट्रेवल बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसी कुछ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस करी जाए, उन पे कुछ फोकस होकर काम किया जाए जहां पर डेवलपर्स भी काम करें और वो पॉपुलर हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो, लोगों को वहां जाने में भी कंफर्ट हो, वहां सिंगल विंडो का प्रोविजन भी किया जा सकता है। अगर ऐसी कुछ डिस्ट्रिक्ट, आल्दो जो है महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जैसे डिस्ट्रिक्ट को कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने, बड़े प्रमोशन हैं, बड़े एडवांटेजेस हैं, इंसेंटिव भी हैं, काम करने का सहूलियत भी है। ऐसे ऐसे मॉडल और देश में कई जगह तैयार किया जा सकते हैं जहां पर बहुत ऑर्गेनाइज वे में काम भी हो सकता है, डेवलपर्स को भी सहूलियत होगी, कस्टमर्स को भी इन होने में बड़ा आसानी होगी और उनका आरओआई भी अच्छा हो सकता है। अब वहां पर जो ये अफोर्डेबल हॉलीडे होम है वो भी बना आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां का जो जो लोकल पर्सन है जिसके पास अपना घर है और वो पास में और उसके पास एक वैकेंट लैंड है उस पे वो इस तरीके की एक्टिविटी कर पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही होगी उस सिटी को, उस डेस्टिनेशन को, तो उसके लिए बनाना आसान होगा और अल्टीमेटली उसका एडवांटेज जो है जो लोकल टूरिज्म वहां पे जाएगा उसको भी सस्ते रेट में वहां पे रूम अवेलेबल होगा। स्टेकेशन आल्दो अलग अलग स्टेट में सब लोगों ने प्रमोट किया, उसका एडवांटेज भी मिल रहा है। बिल्कुल, यानी पूरी चर्चा को समझें तो डेवलपर्स की जो मांग है उसमें बड़ी बातें ये हैं कि पहले मकान की खरीद का पूरा ब्याज माफ हो, अफोर्डेबल हाउसिंग की एरिया और कीमत के आधार पर परिभाषा में बदलाव हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, यूनिफाइड जीसीआर का जो सिस्टम महाराष्ट्र में है इसी तरह देश के दूसरे राज्यों में भी प्रयास हो, सीएलएसएस स्कीम को बढ़ावा मिले। रवि जी ने जिस तरह से बताया कि हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन अप्रूवल पर जो नज़ीर पेश की है वैसा दूसरे राज्यों में भी मंजूरी को लेकर तेजी आए, हालांकि प्रोजेक्ट मंजूरी को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं वो एक अलग बात है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करने को लेकर प्रयास हो, एक हाथ दे एक हाथ ले वाली बात ना हो, यानी एक तरफ कुछ राहत देकर दूसरी तरफ कुछ राहतें कम ना कर दी जाए, इन बातों को लेकर काफी चिंताएं हैं। यानी मांगे अनंत हैं लेकिन वित्त मंत्री जी को यह देखना होगा कि लंबे समय बाद रियल्टी सेक्टर में जो तेजी दिख रही है वो तेजी देश के चुनिंदा शहरों तक ही सिमट करना रह जाए, छोटे शहरों में भी रियल एस्टेट फले फूले इसको लेकर भी प्रयास हों। तो राजन जी, रवि जी और आदित्य जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, बजट सीरीज के अगले एपिसोड में करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के किसी और पहलू पर बात, तब तक के लिए नमस्कार।